अब आपको बताएं कि लेबनान में पेजर धमाकों में भारतीय निर्यात के मुलविस होने के इंकशाफ है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारतीय निर्यात रेंसन होजे इसराइल की सहूलतकारी और गिरफ्तारी से बचने के लिए नॉर्वे से अमेरिका फरार हो गया है। रेंसन ने धमाकों बारे सवाल का जवाब दिए बगैर फोन काट दिया। नॉर्वे पुलिस के मुताबिक रेंसन लेबनान में पेजर सप्लाई करने की डील में मुलविस था। भारतीय निर्यात शख्स की तलाश के लिए बैन अल-अक़वामी वारंट जारी कर दिए गए हैं। आलमी सतह पर रेंसन की गिरफ्तारी के वारंट के हवाले से मुतलका हुकाम को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। मासी में भी भारतीय बेशतर मौक़ों पर दूसरे ममालिक में अपने एजेंट्स के जरिए दहशतगर्दी फैला चुका है। भारत के सफाक दहशतगर्द मुल्क होने के बारे में आलमी और इलाकाई सतह पर मुख्तलिफ तहकीकती इदारों की जानिब से पहले भी दस्तावेजी सबूतों के साथ इंकशाफ किए जा चुके हैं। इससे पहले भारतीय नेवी के अहलकार इसराइल के लिए कतर में जासूसी करते हुए भी पकड़े गए थे। बढ़ते हुए बैन अल-अक़वामी दहशतगर्दी के वाक़यात पर मोदी को अब आलमी बरादरी को अपनी मजमूम कार्रवाइयों का हिसाब देना होगा।